ओम शांति। अमृतधारा कार्यक्रम आध्यात्मिक प्रेमी भाई और भौनी मानंकु हार्दिक अभिनंदन जनाउछु। आजिकार विषय वस्तु मृत्यु उपरे विजय प्राप्ति। सृष्टि रंगमंच उपरे समय चक्र अनवरत घुरुछि, जो थरे कि दुईटी पार्श्व अछि, दिन परे राति, सुख परे दुख, हारिबा परे जितिबा, सही परी जन्म परे मृत्यु। सकाळर सुनेली किरण को आमे स्वागत करिथाउ त सूर्यास्तर गोलापी रंगर मध्य आमे आनंद नेइथाउ। प्रकृति रे हसुथुबा फुलमानकु आमे स्वागत करिथाउ त मृत्युर विराट सत्य को आमे डरु काहे कि। प्रकृति जन्म मृत्यु निश्चित बनाइछि, सेमिति बि जहार जन्म होइछि तार मृत्यु मध्य निश्चित। सेथिपाई कथारे अछि मर्त्यमंडले देह बही देवता हेले हे मरई। जन्म ओ मृत्यु गोटी शिकार दुईटी पार्श्व अटंती। मृत्यु अर्थात पुराणा वस्त्रर त्याग, जन्म अर्थात नुआ वस्त्रर परिधान। जेमिति आमको पुराणा लुगा उतारिले कोनोसी प्रकार कष्टर अनुभव होइन थाए, जन्म अर्थात नुआ लुगार परिधान। शरीर हेउछि एक वस्त्र, आत्मा हेउछि अजर अमर अविनाशी। आत्मा केबे मरे नाही। मृत्यु अर्थात आत्मार ड्रेस ओ एड्रेस चेंज करिवार समय आसी थाए। मृत्यु अर्थात गोटे घर को खाली करी अन्य घर को जीवार प्रक्रिया। यही शरीर आमर जेते ही पुराणा साथी होइथिले मध्य दिने ना दिने यहाँ छाड़ीबा को पड़ी थाए। ए दुनिया रे एमिती नियम चली थाए जे जणे जेते पुराणा घर भड़ावाला हेले मध्य ताकू दिने ना दिने घर खाली करिवा को पड़ी थाए। मृत्यु गोटे आश्चर्य घटना, एथेरे आत्मा तार कर्म ओ संस्कार को सांगरे नेई जाई थाए। सेथिपाई मृत्यु को चिरनिद्रा मध्य कहा जाई थाए। वास्तव रे आमे मृत्यु को शोकर प्रसंग मनै थाऊ, किंतु ताहा अन्य घरे सुखर प्रसंग मना जाई थाए। गोटे घरे जन्मर आनंद ओ अन्य घरे मृत्युर दुख मना जाई थाए। मनुष्य जीवन रे मुख्यतः तीनोटी प्रसंग मना जाय थाए। प्रथम प्रसंग होची जन्मर प्रसंग। एही प्रसंग बहुत सहज ओ स्वाभाविक रीति रे आमे ग्रहण करिथाऊ। आसीथिबा बालक रे आमे स्वागत करिथाऊ ओ बहुत धूमधाम रे खुशी मध्य मनैथाऊ। द्वितीय प्रसंग होची विवाहर प्रसंग। एही प्रसंग मध्य आमे बहुत सरल रीति रे स्वीकार करिथाऊ ओ ता पाई आमे समय शक्ति संपत्ति खुला हस्तरे खर्च करिथाऊ ओ सबु बंधु बांध मिसी बहुत खुशी रे मनैथाऊ। तृतीय प्रसंग होची बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग, जोटा कि मृत्युर प्रसंग, जहाँ कि प्रत्येक जीवन रे आसी थाए, किंतु सेथिपाई आमे प्रस्तुत होइन थाऊ। विवाह ओ जन्मर प्रसंग को जेते सहजरे स्वीकार करिथाऊ, मृत्युर प्रसंग को स्वीकार करि नथाउ। आम सामना रे जदि कहार मृत शरीर पड़ी थाए, ताहेले मध्य आमे कहिथाउ एते शीघ्र तार जीवार समय नथिला, काहे कि ना आमे ता पाई प्रस्तुत होइ नथाउ। एपरि काहे कि हुए जन्मर प्रसंग पाई आमे 4-5 मास पूर्वरु रेडी हेइथाउ। विवाहर प्रसंग 4-5 वर्षरु आमे प्रस्तुत हेइथाउ, किंतु महत्वपूर्ण मृत्युर प्रसंग को आमे स्वीकार करि नथाउ। काहेकि ना आम सामनारे पड़िथिबा मृत शरीर को देखिले मध्य आमे कहिथाउ एते शीघ्र तार जीवार नथिला, कारण ता सहित आमर स्नेह भरा संबंध थाए ओ स्वाभाविक अटे आमे आमर स्नेह भरा लोह को अटकाई पारि नथाउ। सेथिपाई कथारे अछि तमे जेतेबेले दुनिया को आसिल कांदी कांदी ओ दुनिया सेतेबेले हसुथिला, किंतु तमे एमिति कर्म करि जाओ दुनिया कांदु ओ तमे हसी हसी निज घर को जाओ। मृत्यु मनुष्य जीवन रे विभिन्न प्रकार आसी थाए। किए बहुत दुखी होई मरी थाए तो किए हार्ट अटैक रे मरी थाए, किए तीर्थयात्रार पवित्र स्थान रे मृत्युवरण करी थाए तो किए फांसी खुंट रे झूली मरी थाए। ए सबु मनुष्यर कर्म अनुसार होई थाए। सेथिपाई कहा जाए प्राणीर भलमंद बाणी मरण काले ताहा जाणी, अंतमति सो गति।
अंतिम समय रे मनुष्यर जो विचारधारा होइथाए सेई अनुसार तार गति सद्गति होइथाए सेति पाई के जदि मरिबा अवस्था रे थाए ताहेले आमे कहिथाउ ताकु जेंति ईश्वर सानिध्य प्राप्त हेबो से प्रकार आमे व्यवस्था करिथाउ माना आमे ता पाखरे गीता भागवत पाठ करिथाउ भजन संगीतर आयोजन करिथाउ ओ सत्संगर व्यवस्था मध्य करिथाउ से जेमिति भगवान को स्मरण रे शरीर छाड़िबो शरीर आयुष जेतेबेले शेष होइथाए आत्मा शरीर छाड़ी दिए ओ नुआ शरीर रे प्रवेश करिथाए नुआ शरीर रे जेतेबेले प्रवेश होइथाए सेही समय रे तार जन्म ओ मृत्युर तिथि तारीख मध्य निर्धारित होइथाए जेमिति पाचिला फल गछरु स्वतः खसी जाइथाए ओ नुआ मंजिरु नुआ अंकुर होइथाए मृत्यु अर्थात जीवनर अंत नुहे बरं नुआ जीवनर प्रवेश द्वार मध्य कहा जाइथाए सेथि पई शेक्सपियर मध्य कहिछंती ए दुनिया हेउछि एक रंगमंच आमे समस्ते गुटे गुटे अभिनेता बा अभिनेत्री आमर अभिनय सरले आमे निज घर को बाहुडी जिबा केही केही कहंती जीवन हेउछि गुटे क्रिकेट रो खेल जेमिति बैट्समैन को जणा नथाए को बॉलटा ता पई शेष बॉल हेबो सेमिति मनीष को जणा नथाए को निश्वास ता पई शेष निश्वास हेबो ज्ञानी व्यक्ति माने मनीषर अस्तित्व को स्वीकार करंती ओ कहंती सृष्टि परिवर्तनशील प्रत्येक जिनिसर परिवर्तन अनिवार्य ज्ञानी पुरुष माने कहंती मृत्यु अर्थात भगवान को घर डाकरा आसिला मृत्यु एक मंगलमय मुहूर्त बोली कहिथांती कर्मयोगी माने कहंती मृत्यु अर्थात भगवान को घर को हिसाब किताब देइजबार समय आसिला ओ विभिन्न प्रकारे मृत्युर हिसाब समस्ते देइथांती किंतु किए जाने कार काल केतेबेले पुरिबो सेथिपाई काल उपरे गोटे कहानी अछि जेतेबेले राजा युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थरे राजुति करुथिले सेही समय रे गोटे व्यक्ति तांको पाखु को न्याय भिक्षा करि आसीथिला सेही समय रे महाराज युधिष्ठिर बहुत व्यस्त थिले ओ से व्यक्ति को कहिले तमे काली आस मु काली तुमको समय देबी आज मु बहुत व्यस्त अछि एक कथा भीम सुनुथिले भीम जाय नगर रे ढिंडोरा पिटिले महाराज काली पर्यंत निश्चित भाबरे जीवित रहिबे एक कथा युधिष्ठिर मध्य बाहर को आसी सुनिले ओ से तुरंत भीम को डाकिले ओ कहिले ए सब कोण होउछि भीम कहिले महाराज आपणंक पाखकु जणे व्यक्ति न्याय भिक्षा करि आसीथिला आपण कहिले काली आसीबाकु एथिरु जणा जाय जे आपण काली पर्यंत निश्चित भाबरे बंची रहिबे महाराज युधिष्ठिर निजर भूल बुझी पारिले ओ तुरंत सेही व्यक्ति को डाकि न्याय प्रदान कले कारण आजिर जीवन काली के नाही मनीष मृत्यु को बहुत भय करिथाए मृत्यु पाई मनीष भय करे काहेकि प्रथम कारण होची मनीष जीवन सारा जहाँ धन संपत्ति रोजगार करिथाए सेति प्रति तार मोह हि जाइथाए ओ से सबु छाड़ी गला बेले ताकु कष्टर अनुभव होइथाए द्वितीय कारण होची भविष्य विषय रे से किछि जानि नथाए तृतीय कारण होची मित्र संबंधी माँ बापा भाई बंधु मानकर सहित तार मोह होई जाई थाए ओ सेमानंको छाड़िला बेले ताकु कष्ट होई जाई थाए चतुर्थ कारण होची मनुष्य जीवन सारा जहाँ पापकर्म करी थाए मृत्यु समय रे ताहा ता सामना को आसी थाए जेमिति आमे दिन सारा जहाँ कर्म करी पापकर्म करी थाओ राति रे स्वप्न आकारे आम सामना रे आसी थाए सही प्रकार मनीष जहाँ भी पापकर्म करी थाए मृत्यु समय रे फिल्म भलिया ता सामना रे सबु आंकी होई जाए पंचम कारण होची भविष्य रे से कोठी की जीव ता विषय रे से किछि भी जानि न थाए सेति पई से बहुत डरी थाए षष्ठ कारण होची मृत्यु समय रे मनीष निज को एकाकी अनुभव करे ता संगरे आउ केहि भी जानती नाही से एका जाए सेति पई से डरी जाई थाए।
जदि आम कर्ममय जीवन रे पापकर्म न करते ताहेले मृत्यु को आमको भय लागंता नहीं। जो पापकर्म करिथाउ मनीष बेसी डरी जाइथाए। जणे शरीर छाड़िले आमे केतेक बाह्य विधि को मानि थाउ, जथा जणे शरीर छाड़िले आमे कला लुगा पिंधि थाउ, तापाई कांदी थाउ पिटी मारी हेइ थाउ, घरु बाहरि न थाउ ओ विभिन्न प्रकार नियम मध्य मानि थाउ। आत्मा जेतेबेले शरीर छाड़ी दिए शरीर को अर्थी बोली कहा जाए, कारण से शरीर रे आत्मा न थाए, आत्मा रथी आउ न थाए, खाली रथ को अर्थी बोली कहा जाए थाए, अर्थ विहीन शरीर। तो ज्ञानी पुरुष माने शरीर रे भी शुद्धि क्रिया करी ताको पंचतत्व को अर्पण करी थांती, कारण आमे ए शरीर को जेतेबेले पाइथिले बहुत शुद्ध स्वरूप रे पाइथिले ओ कर्ममय जीवन रे आसी आमे कर्मेंद्रिय द्वारा अनेक विकर्म करी थाउ, जहाँ फल रे शरीर और आत्मा दुईटा पतित हो जाई थांती, सेति पाई तार शुद्धि क्रिया करा जाई थाए। प्रथमे अर्थी को भूई को सफा करा जाए ओ ता उपरे सुआ जाए ओ ता उपरे गंगा जल छिंचा जाई थाए। गंगा जल छिंचिबार अर्थ जल तत्पर शुद्धिकरण करा जाई थाए। ता उपरे घी लगा जाई थाए, घी लगाइबार अर्थ हेउची अग्नि तत्पर शुद्धिकरण करा जाई थाए। ता उपरे चंदन लगा जाई थाए, चंदन लगाइबार अर्थ वायु तत्पर शुद्धिकरण करा जाई थाए। ओ ता उपरे तुलसी मध्य दे जाई थाए, तुलसी देवार अर्थ हेउची आकाश तत्पर शुद्धिकरण करा जाई थाए। ओ सब दाह परे जेउ पाउस रही जाए ताको गंगा जल रे भसा जाए, माना भूई तत्पर शुद्धिकरण करा जाई थाए। एही परी पंचतत्व को शरीर को अर्पण करा जाई थाए ओ पंचतत्व रे एही शरीर लीन होई जाई थाए। जणे जेते बेले शरीर छाड़ी थाए ता सब को जेते बेले निया हुए, ता मुंड को गां पट को ओ गोड़ को श्मशान भूई पट को करा जाई थाए ओ गोटे कलसी रे पानी निया जाई थाए। ओ जेते बेले आमे श्मशान भूई रे भूई को स्वब को निया जाई थाए, ताको ओलटाई दिया जाई थाए ओ से कलसी को फटाई दे थांते, कारण से ए दुनिया ए गाँव रु माया मोह को त्याग करी निज घर को जाई थाए। सेति पाई ता मोह को श्मशान भूई पट को ओ गोड़ को गाँ तरफ को करि दे थांते। सेमिति भी श्मशान भूई को शिवंकर निवास स्थान मध्य कहा जाए थाए। आत्मा जेतेबेले शरीर छाड़ी थाए 12-13 दिन पर्यंत तार शुद्धिक्रिया करा जाए थाए, कारण 12-13 दिन पर्यंत से आत्मा आमर आख पाखरे बुलू थाए। आमे जदि किए शरीर छाड़ी थाए ता पछरे जदि आमे कांदिबा ओ दुखित हेबा ताहेले से आत्मा को बहुत कष्ट होइथाए ओ ता शरीर सिहरी उठी थाए। सेही समय रे आमे जदि से आत्मा प्रति शांतिर दान करिबा ओ सेही आत्मा प्रति शुभ संकल्प करिबा, माना सेही समय रे आमे जदि सत्संग भजन कीर्तन रो आयोजन करिबा ओ खुशी रे सेही आत्मा को जदि विदाय देबा, ताहेले से आत्मा को खुशी रे घर को जाई थाए। आउ जदि आमे कांदिबा ताहेले से आत्मा को बहुत कष्ट होइथाए। थरे गोटे गाँव रे गोटे मार पुओ मरी जाई थाए ओ से माता जनक गाँवर समस्त को बुली बुली कहू थांती, मो पुओ को किए फेरे दियो, मोर गोटे बोली पुओ थिले ताकु किए फेरे दियो, दुनिया रे एमती कौनसी शक्ति अछि जे कि मो पुओ को फेरे देबो, एमती कही कही से पागलों को भरिया बुलू थांती। थरे से गाँ को गोटे देवात्मा आसीथिले, समस्ते कहिले से माता को से ऋषि पाखं को जा, से ऋषि काले तो पुओ को फेरे देबो। से माता दौड़ी दौड़ी से ऋषि पाखं को गले, से ऋषि बुद्धदेव थिले। से ऋषि को से माता कहिले हे बाबा मो पुओ को फेरे दियो, तमें जहा कहिबो मु ताहा करिबे। से बुद्धदेव कहिले माता मु तुम पुओ को अवश्य फेरे देबी, हेले तमें गुटे जदि जिंस आनी पारिबो ताहेले मु तुम पुओ को फेरे देबी। माता कहिले जहा कहिबो मु ताहा आनी देबी, हेले मो पुओ को फेरे दियो। बुद्धदेव कहिले तुम गाँव रु जाओ, जहा घरु हेले
କିଛି ସୋରିଷ ମାଗି ଆଣିବ, ଯାହା ଘରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିନଥିବେ। ସେଇ ମାତା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରୁ ସୋରିଷ ମାଗିଲେ, ଆଉ ପଚାରିଲେ ତମ ଘରୁ କେହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ତ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମୋ ଭାଇ ମରିଛି, ମୋ ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ କାକା ଶରୀର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଘର ବି ଖାଲି ନଥିଲା ଯାହା ଘରେ କେହି କେବେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିନଥିବେ। ସେ ମାତା ନିରାଶ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧଦେବ ମାଙ୍କୁ ଫେରିଆସିଲେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ, ହେ ମାତା, ପ୍ରକୃତିର ଏଇଟା ନିୟମ, ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ନିବାସ କରିଥାଏ, ସେଥିରେ ଆମେ ଖୁସି ମନେଇବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷମାନେ କହନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଉତ୍ସବ ମନେଇବା କଥା। ଶରୀର ବିନାଶୀ, ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅଜର ଅମର ଅବିନାଶୀ। ଆମେ ଯାହା ବି କର୍ମ କରିଥାଉଁ ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇଥାଏ ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଗତି ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଆମ ଶରୀରରେ କିଛି ବି ଲେପ ଛେପ ଲାଗିନଥାଏ। ଶରୀରର ତ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିଥାଉଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ହୋଇନଥାଏ। ଆତ୍ମା କର୍ମ ହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥାଏ, ଯାହା ବି ପାପ କର୍ମ କରିଥାଏ କି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିଥାଏ। କେତେକ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ମରିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ପୁଟୁଳି ରେଡ଼ି କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ପୁରୁଣା କପଡ଼ାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଓ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ତ କୌଣସି ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ ଯାଇନଥାଏ, କର୍ମ ହିଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ନିଜର କର୍ମକୁ ହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ କର୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହୁଁ। ଆମର ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀର ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ, ଶରୀର ତା ସାଥିରେ ଇଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଯାଇନଥାଏ, ସାପ ମନା କରିଦିଏ ମୁଁ ଯିବିନି। ଆମେ ଯାହା ପାପକର୍ମ କରିଥାଉ କି ଯାହା ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିଥାଉ ତାହା ହିଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଶରୀର ଦେଖଭାଲ କରିଥାଉଁ, ଶରୀରକୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥାଉଁ, ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥାଉଁ, ଶୋଇବା ପାଇଁ ଡନ୍ଲପ୍ ଗଦି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଉଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ପାଇଁ କିଛି କରିନଥାଉଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜ୍ଞାନର ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ କିଛି ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା, କିଛି ସ୍ୱକଲ୍ୟାଣ କରିବା, ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରିବା, ତାହା ହିଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁବାରା ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ, ଯେମିତି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହାତ ବନ୍ଦ କରି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମକୁ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଓ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଥାଏ ହାତ ଖୋଲା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସିକନ୍ଦର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବି ମୋ ଦୁଇ ହାତକୁ ଝୁଲେଇ ଦେବ, କାରଣ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ସିକନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ହାତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବା, ଆମ କର୍ମ ହିଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହୁଁ। ଆମେ ଯେତେ ପରମାତ୍ମା ଚିନ୍ତନ କରିବା, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିକିରି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ସେଇଥିରେ ଆମର ଆତ୍ମାର ପାପ କଳଙ୍କ ନାଶ ହୋଇଥିବ ଓ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଜାଗ୍ରତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ କର୍ମକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥାଉଁ ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଯଦି କର୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବା ଓ କୁକର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଆମେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ସାର ନୁ ହୋଇ ଇଏ ସମସାର ସତ୍ୟ ଯେ ହାର ସାର ସତି ସତ୍ୟ ଯେ ହାର ସାର ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଏକା ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଏକା ସତ୍ୟ ଅସାର ଯେ ସଂସାର ସତି ଅସାର ଯେ ସଂସାର ସଂସାର ନୁହଇ ଇଏ ସମସାର ସତ୍ୟ ଯେ ହା
सार सते सत्य दे हर सार प्रकृत विजय परमात्मा कथाई बेल थाऊ थाऊ सजाग रहिले बेल थाऊ थाऊ सजाग रहिले नथिब मरण डर सेत नथिब मरण ज्ञान एत सुंदर है बाबा को पाई मो जीवन धन्य आय लोक धन्य करने आत्मा मैंने जो घूरी बुलूँ से आम चाहूँ बहुत।